नमस्कार, इंफॉर्मेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ रश्मि। पटना एयरपोर्ट को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पटना एयरपोर्ट पर अब मौसम की तमाम जानकारी दी जाएगी, यानी कि जब प्लेन पटना एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला होगा, इसके 10 से 15 मिनट पहले से ही मौसम की जानकारी दी जाएगी, जिस वजह से अब एरोप्लेन को हवाओं के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बता दें कि इससे पहले जब प्लेन एयरपोर्ट पे लैंड करता था तो उससे पहले कई तरह की परेशानी सामने आती थी। कभी मौसम खराब होने की वजह से प्लेन लैंड करने में समस्या होती थी, लेकिन अब इस समस्या को दूर किया जाएगा। क्या कुछ तैयारी हो रही है पटना एयरपोर्ट पर इस अत्याधुनिक जो काम किया जा रहा है, इससे लेकर क्या कुछ खबर सामने आ रही है, इसकी पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताते हैं। बता दें कि पटना एयरपोर्ट पर विमान उतारने वाले पायलटों को अब मौसम की अद्यतन सूचनाएं मिल सकेंगी। इसमें विमानों को यहां आकर आसमान के चक्कर लगाने की मजबूरी नहीं रहेगी। एयरपोर्ट प्रशासन और मौसम विभाग की ओर से ये पहल की गई है, जिस पर रनवे के दोनों छोर पर विशेष उपकरण लगाए जाने की तैयारी की जा रही है। अभी रनवे के एक छोर पर ही मौसम से संबंधित उपकरण लगे हैं। बता दें कि प्रस्तावित योजना के अनुसार विमान के पायलटों पर बारिश की प्रकृति का विश्लेषण कर ये भी बताया जाएगा कि वर्षा का स्तर आंशिक है, मध्यम है या फिर भारी है। ऐसे में विमान चालकों को सही समय पर सही अपडेट मिलने से विमान को उतारने या डाइवर्ट करने को लेकर निर्णय लेने में आसानी होगी। ऐसा कई बार होता है कि विमान के लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू होते ही खराब मौसम के कारण विमान को फिर से ऊपर की ओर ले जाना होता है और हवा के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसमें यात्रियों में अनिश्चितता बनी रहती है और साथ ही अंतिम समय नए उपकरण के लग जाने से पहले की अपेक्षा 10 से 15 मिनट पहले पायलट को मौसम का अपडेट मिल जाएगा। अभी मौसम विभाग पटना के द्वारा पटना एयरपोर्ट ATC को मौसम से संबंधित अपडेट दिया जाता है। ATC द्वारा फिर से सूचना के अनुसार पायलट से ये साझा की जाती है, लेकिन बता दें कि पारंपरिक प्रक्रिया या यूं कहें कि मैनुअल माध्यम से अपडेट देने में कई बार देरी हो जाती है। ऐसे में बता दें आपको कि अब पहले की अपेक्षा 10 से 15 मिनट पहले मौसम की जानकारी दे दी जाएगी। लैंडिंग की प्रक्रिया होनी जो है वो और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। पायलट को समय से पहले ही मौसम की जो जानकारी है वो दी जाएगी, जिससे एयरपोर्ट पर प्लेन जो है वो लैंड करवाने में अब ये समस्या जो पायलट के सामने आती थी उसे दूर करने की कोशिश की गई है, जिसे लेकर इस नई पहल की शुरुआत की जा रही है। मौसम विभाग जो है वो इसमें मदद कर रहा है, जिसके बाद पटना एयरपोर्ट पर ये जो सुविधा है वो मुहैया करवाई जाएगी, जिससे सबसे बड़ा फायदा जो है वो पायलटों को होगा। वही दूसरी तरफ यात्रियों की भी जो समस्या होती थी, इसे मद्देनजर रखते हुए ये पहल जो है वो शुरू की जा रही है, जिसके बाद प्लेन के लैंडिंग के 10 से 15 मिनट पहले ही मौसम के हालचाल के बारे में पायलट को जानकारी दे दी जाएगी, ताकि प्लेन लैंड करवाने में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो सके। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ कनेक्शन के साथ। नमस्कार।